स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, मॉडल्स। मॉडल्स आपको फ्लुएंट एंड करेक्ट इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसमें आज हम करेंगे शुड। शुड का यूज़ करेंगे कि शुड का यूज़ हम कैसे करते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में शुड का यूज़ करते हैं, आप इतने सेंटेंस बना सकते हैं इस शुड से। तो आइए देखते हैं। शुड का वैसे हिंदी मतलब होता है चाहिए, बस आपको ये याद रखना है। शुड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए, चाहूँ। तो देखते हैं यूज़ ऑफ शुड। शुड का यूज़ हम कैसे और कहाँ करते हैं। सबसे पहले एडवाइस और सजेशन के लिए, हम सलाह और सुझाव देने के लिए शुड का यूज़ करेंगे। इसी तरह मॉरल ड्यूटी के लिए, किसी मॉरल ड्यूटी या कोई अदर ड्यूटी के लिए, नैतिक कर्तव्य, किसी कर्तव्य को बताने के लिए, या फिर आस्किंग चॉइस और गिविंग ऑफर फॉर परमिशन, किसी को कोई ऑफर या वो पूछने के लिए या फिर किसी परमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे एडवाइस एंड सजेशन के लिए हम शुड का यूज़ कैसे करेंगे। देखो, जैसे एग्जांपल फर्स्ट, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। तो देखिए, बस आपको वो मतलब याद रखना है कि शुड का मतलब होता है चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। यू शुड नॉट शाउट एट चिल्ड्रन, आपको बच्चों पर चिल्लाना नहीं चाहिए। तो देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गए यहाँ पे। देखो, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH फैमिली के सारे सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं। जैसे कि WH फैमिली का यहाँ पे एक आ गया, व्हाट शुड आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, सॉरी, मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, व्हाट शुड आई डू फॉर यू, मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। शुड चाहिए, बस आपको ये मेन तो यही है। मॉरल ड्यूटी के लिए देखिए, मॉरल ड्यूटी कैसे, जैसे कि हम कोई अपने नैतिक कर्तव्यों की जब बात करते हैं, जैसे यू शुड हेल्प योर ब्रदर, आपको अपने भाई की मदद करनी चाहिए किसी भी काम में, पढ़ाई में, कैसे भी। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रीच स्कूल ऑन टाइम, हमें समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए। तो ये हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, मतलब हमारी ड्यूटीज़ हैं। ऐसे आस्किंग चॉइस या फिर किसी परमिशन के लिए, शुड आई स्विच ऑन द फैन, क्या मैं पंखा चलाऊं। देखो यहाँ पे चलाऊं, क्या मुझे पंखा चलाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इसको आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। शुड आई गो और वेट, क्या मैं जाऊं या रुकूं। और इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या मुझे जाना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए, मतलब क्या मुझे जाना चाहिए या रुकना चाहिए। शुड वी ट्राई वंस, क्या हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों देखो, इसमें सिंपल सा ये है, शुड का यूज़ हमें बस तीन चीज़ें का करना है, एडवाइस और सजेशन के लिए, मॉरल ड्यूटीज़ के लिए, या फिर किसी आस्किंग कोई चॉइस वगैरह के लिए, या परमिशन के लिए। तो और इसमें हमको बस याद रखना है, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो आप हिंदी के वाक्य में जहाँ चाहिए देखेंगे, बस आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान देना है और आप इजीली आप इसको कर पाएंगे। थैंक यू।